गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेबर कापी जो कि बनना शुरू हो चुकी है दोस्तों, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और दोस्तों किस प्रकार से आप इसे जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको वीडियो के आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेबर कापी मजदूरी कापी को लेकर बड़ी खबर है हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में कुछ दिन पहले जो कि लेबर विभाग की लेबर कापी मजदूरी कापी को लेकर बहुत सारी घोषणा की गई थी, उसी कड़ी को विभाग द्वारा आगे बढ़ाते हुए अब मजदूर कापी बनानी शुरू कर दी गई है। मजदूर कापी के दोस्तों फ़ायदे होंगे, जो 50,000 रुपये कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को मिलेंगे, 1,00,000 रुपये कोचिंग के लिए मिलेंगे UPSC HPSC के लिए, और 20,000 कोचिंग के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग का MCA फैशन डिजाइनिंग का, और 3,000 रुपये दोस्तों जो कि विधवा पेंशन हर महीने, और 21,000 से लेकर 51,000 दोस्तों जिनके 60 से लेकर 90% 10वीं 12वीं में बच्चों के पास होने के लिए तो दोस्तों सहायता मिलेगी, और 8,000 से लेकर 20,000 रुपये पहली से लेकर मास्टर की पढ़ाई तक मिलेंगे, और 50,000 लड़की की शादी पर कन्यादान, और 30,000 बच्चा पैदा होने पर महिला को मिलेंगे दोस्तों, और 21,000 बच्चा पैदा होने पर पिता को मिलेंगे, 8,000 रुपये औजार खरीदने के लिए, 5,500 महिला सामान के लिए, और 3,500 रुपये सिलाई मशीन के लिए, 5,000 रुपये साइकिल के लिए, और दोस्तों 51,000 जो कि लड़के की शादी पर, 21,000 लड़के की शादी पर, और 1.5 लाख से लेकर 3 लाख दुर्घटना में विकलांग होने पर, और 2 लाख रुपये जो कि दोस्तों मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे, और 2 लाख रुपये मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता, और दोस्तों अधिक अनेकों प्रकार के लिए मजदूर मिस्त्री को जो कि बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आज ही अपनी जो मजदूर कापी लेबर कापी जरूर बनवाएं दोस्तों। इसे बनवाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो दोस्तों आपको पुरानी मजदूर कापी यदि है तो आप वो ले करा सकते हैं अपने CAC सेंटर पर नज़दीकी, और फैमिली ID, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक खाता, एक फ़ोटो। फैमिली ID में जो था दोस्तों मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ है वो आपको लेकर जाना अनिवार्य है, क्योंकि उस पर दोस्तों जो OTP वगैरह आएंगे तो इसलिए आपको वो भी आपको साथ में लेकर अपने नज़दीकी CAC सेंटर पर जाकर जब मजदूर कापी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।